आप देख रहे हैं पलपल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आप सभी देशवासियों को होली, शब ए बरात और जुमे की मुबारकबाद। होली के दिन आज मोहब्बत के रंग बिखेरने की कोशिश जो है वो मुसलमानों की तरफ से की गई है, क्योंकि देश में बीते कुछ सालों से जो नफरत के रंग परोसे जा रहे हैं उसके लिए मुसलमानों ने एक बड़ा कदम उठाते हुए कई बड़े फैसले लिए। जब दोनों त्यौहार एक साथ आ गए, इसके लिए मुसलमानों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और साथ ही साथ अंधभक्तों को भी एक खबर से बड़ी मिर्ची लग सकती है, क्योंकि आए दिन वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हुए दिखाई देते हैं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर। यहाँ मुसलमानों द्वारा ऐसा कदम उठा दिया गया है कि उनकी बोलती बंद हो गई है, या यूं कहें कि करारा तमाचा उनके गालों पर जड़ दिया गया है। क्या खबर है इसे आपके सामने रखने जा रहा हूं। आपको बता दें कि देवा शरीफ में होली पर बरसते सौहार्द के रंग, सभी धर्म के लोग मिलकर खेलते हैं होली, और असल में हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब ही यही है कि जब होली आती थी तो हमारे मुस्लिम भाई गुजिया खाने के लिए अपने हिंदू भाई के घर जाते थे, और जब ईद का त्यौहार आता था तब जाकर के हमारे हिंदू भाई मुस्लिम भाइयों के घर पर सेवइयां खाने के लिए जाते थे, या फिर यार तूने सेवइयां मेरे घर नहीं भिजवाई, त्यौहार निकल गया, तूने इस बार अच्छा नहीं किया, कुछ ऐसे शब्द जो हैं कानों में गूंजा करते थे। पर नफरत ऐसी हावी हुई कि सभी लोग अपने अपने प्यार मोहब्बत से भटक गए। पर इस बार फिर से बड़े कदम उठाए गए जिसमें सौहार्द के रंग बिखेरने की कोशिश जो है वो देवा शरीफ से की जा रही है, और देवा शरीफ में पहली बार नहीं हर बार जो है सभी धर्मों के लोग मिलकर के होली खेलते हैं। आपको बता दें कि जो रब है वही राम का संदेश देने वाले सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की देवा स्थित दरगाह शरीफ के परिसर में हर साल हिंदू और मुस्लिम भाइयों के द्वारा खेली जाने वाली होली उनके इस पैगाम की तस्दीक करती है, और ये मजार शरीफ पर हर मजहब के लोग आपस में भाईचारा बनाकर फूल और गुलाल की होली खेलते हैं। इस बार भी ऐसी ही होली की तैयारी देवा शरीफ में की गई है। बड़े अदब से हाजी बाबा कहे जाने वाले सूफी संत वारिस अली शाह की दरगाह के गेट के पास हर साल हिंदू और मुसलमान मिलकर होली के उल्लास में डूब जाते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले लगाते हैं। ये परंपरा देवा की होली को बाकी स्थानों से अलग करती है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के देवा कस्बे में स्थित हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर रोजाना हजारों की तादाद में जायरीन आकर दुआ मांगते हैं। इनमें बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम श्रद्धालु भी शामिल होते हैं। ये दरगाह पूरे देश विदेश में सांप्रदायिक भाईचारे और सद्भाव के प्रतीक के तौर पर जानी जाती है। भाईचारे की अटूट परंपरा को पिछले करीब 4 दशक से संभाल रहे शहजादे आलम वारिस ने बताया कि हाजी बाबा का ये आस्थाना देश की शायद ऐसी पहली दरगाह है जहां होली के दिन हिंदू और मुसलमान एक साथ गुलाल उड़ाकर होली का जश्न मनाते हैं। इस दौरान हिंदुस्तान के गंगा जमुनी तहजीब की शानदार झलक नजर आती है। वारसी ने बताया कि दरगाह के बाहर बने कौमी एकता गेट पर होली के दिन चाचर का जुलूस निकाला जाता है जिसमें दोनों समुदाय के लोग हिस्सा लेते हैं। इस तरह वे हाजी बाबा को जो रब है वही राम के संदेश को उसके मूल रूप में परिभाषित करते हैं। स्थानीय निवासी 70 वर्षीय पंडित रामा महाराज शुक्ला ने बताया कि हाजी बाबा की दरगाह पर होली खेलने का रिवाज बहुत पुराना है। जब स्वयं हाजी वारिस थे तभी उन्हीं के समय से आपसी भाईचारे का प्रतीक
त्यौहार मनाया जाने वाला होली सभी मजहब के लोग आपस में मिलजुल कर मनाते हैं। यहाँ पर गुलाल और रंग की होली होती है जिसको हम बचपन से देख रहे हैं। यहाँ आकर इसे देखकर ये महसूस होता है कि हमारी गंगा जमुनी तहजीब कितनी मजबूत है और मुल्क तथा कौम की तरक्की के लिए ऐसी परंपराओं को हमेशा बनाए रखना होगा। जहाँ मुस्लिम शख्स भी यही बात कर रहे हैं कि सौहार्द के रंग बिखेरे जाने चाहिए, तो वहीं हिंदू भाई भी गंगा जमुनी तहजीब की बात पर जोर दे रहे हैं। देवा शरीफ से आने वाली हर एक तस्वीर उन संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो सिर्फ नफरत के रंग घोल देना चाहते हैं। पर मोहब्बत का रंग हर साल देवा शरीफ से भी बिखेरा जाता है और इस बार भी देवा शरीफ से मोहब्बत के रंग बिखेरे जा रहे हैं जिसकी तैयारियां की गई। और साथ ही साथ सिर्फ देवा शरीफ की तरफ से ही ये तस्वीरें सामने नहीं आ रही हैं। होली और शबे बरात और जुम्मे की नमाज एक दिन होने के चलते मुसलमानों ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है जिसमें कोई सांप्रदायिक रंग घोलने की कोशिश, नफरत के रंग घोलने की कोशिश ना कर सके। क्या कुछ मौलाना खालिद रशीदी फरंगी महली ने कहा है, पहले उनके इस बयान पर नजर डाल लीजिए। अब की 18 मार्च 2022 को जुमे का दिन है, जाहिर सी बात उस दिन जुमे की नमाज भी अदा की जाएगी और उसी दिन शबरात भी है और होली भी उसी दिन खेली जाएगी। तो लिहाजा मेरी हिंदू और मुसलमान सभी लोगों से अपील है कि एक दूसरे के मजहबी जज्बात, एक दूसरे के रिलीजियस सेंटिमेंट्स का पूरा पूरा पास और लिहाज रखें और अपने मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब और कम्युनल हारमोनी के बुनियादी उसूलों पर अमल करते हुए किसी को भी एक दूसरे से कोई भी दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े, इस बात को यकीनी बनाना हमारा और आपका, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। लिहाजा इन बातों को मद्देनजर रखते हुए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कि आप तमाम हजरात से इस बात की अपील की जाती है कि जो जुमे के दिन जिन मसाजिद में और खासकर वो मसाजिद जो उनकी सड़कों पर हैं और वहां पे नमाज का वक्त 12:30 से 1 के दरमियान है, उनसे गुजारिश है कि वहां पे आधे घंटे का टाइम एक्सटेंड कर लें और ज्यादा इस बात की कोशिश की जाए कि मुसलमान जुमे की नमाज अपने महल्ले की मस्जिद में ही अदा करें और जो लोग अपने बुजुर्गों, अपने रिश्तेदारों के इसाले सवाब के लिए शबरात के मद्देनजर शाम को कब्रिस्तान तशरीफ ले जाते हैं उनसे गुजारिश है कि असर की नमाज के बाद यानी 5 बजे के बाद ही कब्रिस्तान जाएं जिससे कि किसी को भी कोई भी दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े और हर हाल में हमें और हमारी और आप और सभी तमाम आवाम की ये जिम्मेदारी है कि हर हाल में अमन व अमान कायम रखें। मौलाना खालिद रशीदी फरंगी महली को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि होली, जुम्मा और शबे बरात एक साथ होने की वजह से लखनऊ की 22 मस्जिदों में जुम्मे की नमाज का समय बदल दिया गया है। आपको बता दें कि इस बार होली, जुम्मा और शबे बरात एक ही दिन यानी शुक्रवार को है, ऐसे में लखनऊ में 22 मस्जिदों में जुम्मे की नमाज देर से पढ़ाई जाएगी। इसके लिए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के सुन्नी मौलाना खालिद रशीदी फरंगी महली ने मुसलमानों के लिए अधिसूचना जारी की। उन्होंने कहा कि आमतौर पर जुम्मे की नमाज और खुतबा 12:30 से 1 बजे पढ़ा जाता है, लेकिन इस बार होली के चलते ज़्यादातर मस्जिदों में नमाज 1:30 बजे के बाद पढ़ी जाएगी। साथ ही मुसलमानों से सावधानी बरतने का आग्रह भी किया है। उन्हें सलाह दी गई है कि अपने पड़ोस की मस्जिदों में ही जुम्मे की नमाज अदा करें। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के सुझाव के बाद होली के दिन जुम्मे की नमाज के समय में परिवर्तन किया गया। साथ ही बताया गया कि लखनऊ की जिन 22 मस्जिदों में जुम्मे की नमाज के लिए समय का परिवर्तन किया गया है उनमें ऐशबाग ईदगाह स्थित जामा मस्जिद, अकबरी गेट स्थित एक मीनार मस्जिद और मस्जिद चौक स्थित मस्जिद शहमीना शाह सहित अन्य धार्मिक स्थल शामिल हैं। इन मस्जिदों में जुम्मे की नमाज 1:30 बजे होगी, वहीं ईदगाह स्थित जामा मस्जिद में नमाज 2 बजे होगी। इसी तरह मस्जिद शाहमीना
शाम में जुमे की नमाज 1 बजे की जगह 1:30 बजे अता की जाएगी। इसी के साथ साथ ये बड़ी पहल मुसलमानों की तरफ से रखी गई ताकि नफरत के रंग आज के दिन ना भूले जा सके, और नफरत बाजों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम हर बार देवा शरीफ से भी किया जाता रहा है, और इस बार जुम्मे की नमाज और शबे बरात होली एक दिन होने के चलते मुसलमानों ने नफरत बाजों के मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर दिया है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।